कभी भी अपने आप को अपने रिजल्ट से ना आके आप हमेशा सोचिए कि आपने किसी चीज के लिए मेहनत कितनी की थी। जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरी रैंक क्या आएगी, रैंक आएगी भी कि नहीं आएगी, पर मुझे बस एक बात पर विश्वास था कि मैंने मेहनत अच्छे से की थी, जितना उस समय मुझसे बन पाया उतना मैंने किया था। तो हमेशा आपको अपने काम पर ध्यान देना है, फल आपको अपने आप मिलेगा, क्योंकि जो असली मोटिवेशन आता है इस एग्जाम के लिए वो आपके अंदर से आता है। तो इसीलिए अगर आपको अपने आप पर भरोसा है, अपने तरीके पर भरोसा है और आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो आपको किसी भी कोई बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि अगर तैयारी करने का निर्णय आपका था, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप तैयारी अच्छे से करें। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन सर, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह सर, अपर मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्री के खंडेलवाल सर, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का सर, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर, निदेशक उच्च शिक्षा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सूरज कुमार सर, सभा में उपस्थित अन्य उच्च अधिकारीगण, सभी उच्च अधिकारीगण, सहसफल सभी अभ्यर्थी और उनके अभिभावक और जो भी विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य उपस्थित अतिथियों को मेरा सादर अभिनंदन है। सबसे पहले मैं झारखंड सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने जो हमें ये सम्मान प्रदान किया है, उससे सिर्फ ना ही हमारा मनोबल बढ़ा है, बल्कि आगे जो भी विद्यार्थी इस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही मुझे जो आप सबके साथ अपने अनुभव बांटने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, यह भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। इसी का लाभ उठाते हुए जो भी मैंने इस अपने सफ़र में जो भी सीखा है, वह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। सिविल सेवा के प्रति जो मेरा झुकाव है, वो मेरे कॉलेज के अंतिम सेमेस्टर में शुरू हुआ। मुझे लगा कि कॉलेज में मैंने जो भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में तकनीकी ज्ञान जो भी मैंने अर्जित किया है, यह एक ऐसा माध्यम है जहां पर मैं इस तकनीकी ज्ञान को लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल कर सकती हूं, ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम कर सकती हूं। यही सोचकर मैंने, वह 2019 का साल था, उसी साल फॉर्म भर दिया था। मेरे पास कुछ 3-4 महीने ही थे, तो कॉलेज के साथ ही मैंने कुछ नाम मात्र पढ़ाई की और परीक्षा देने के लिए चली गई। मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उस साल मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला। तब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, अगले साल जॉब करते हुए ही मेरी एक नौकरी इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी गोल्डमैन सैक्स में लगी थी, तो मैंने सोचा कि नौकरी करते हुए भी अगले साल की तैयारी फिर से करूंगी। पर ऐसा हुआ कि नई नौकरी थी, वहाँ भी कई काम सीखने थे, वहाँ पर भी कई घंटे काम करने थे, तो वहाँ पर भी मेरी तैयारी बिल्कुल ही नहीं हो पाई। 7 महीने बाद मुझे लगा कि अगर मुझे सच में सिविल सेवा के लिए जाना है तो कुछ ठोस निर्णय करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कुछ भी पाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना पड़ता है, कोई ना कोई रिस्क लेना ही पड़ता है। यही सोचकर मैंने उस साल 2020 के फरवरी में ये रिस्क लिया कि मैं अपनी जॉब छोड़कर पूरी तरह से तैयारी में जुट जाऊंगी, और उसके बाद मैं घर लौटकर यहीं रांची में आ गई और मैंने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी शुरू की तो शुरुआत में तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, पर धीरे धीरे ये जो सिलेबस का अथाह समुद्र है, जो रिसोर्सेज का अथाह समुद्र है, इसके कारण हम बाद में थोड़ा हताश होने लगते हैं और काफ़ी लंबी तैयारी होती है, घंटों बैठकर कमरे में पढ़ना पड़ता है, तो कभी कभी ये जो संयम है वो थोड़ा टूटने लगता है। और इसी के कारण हम जो है सोशल मीडिया, सिनेमा या फिर और भी जैसी जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर तैयारी करने का निर्णय आपका था, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप तैयारी अच्छे से करें। तो
यहाँ पर अपना आत्मविश्वास, अपना धैर्य, अपना अनुशासन बनाए रखें और तैयारी बहुत अच्छे से करें। और वैसे भी यह सिर्फ कोई तैयारी नहीं है, यह आपके पास एक मौका है जहाँ पर आप अपने देश के, अपने राज्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में जान सकते हैं, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। कभी कभी हम अपने संसाधन के अभाव, अपने रिसोर्सेज के अभाव, गाइडेंस के अभाव, सपोर्ट के अभाव, ये सब को कोसने लगते हैं कि ये हमारे पास नहीं है। पर यहाँ पर ये याद रखना है कि जो हमारे पास है ही नहीं उसके बारे में तो सोचना व्यर्थ है। जो ध्यान ये रखना है कि जो हमारे पास है उसका हम समुचित उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। जितना हम कठिनाइयों के बारे में सोचेंगे वो हमें उतनी बड़ी दिखाई पड़ेंगी। तो इसीलिए ज़्यादा सोचने में अपना समय बर्बाद ना करें, अपना काम करने में अपना समय लगाएं। अक्सर ये अभी शायद पहले लोग ये पूछ भी रहे थे, बच्चों के ये सवाल थे कि हम मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो अक्सर हम मोटिवेशन भी बाहर ही तलाशते हैं। हमें लगता है कि किसी दूसरे के शब्दों से या फिर अपने फैमिली के द्वारा या फ्रेंड्स के द्वारा या टीचर्स हमें मोटिवेट कर देंगे। पर ये जो आपके पास मोटिवेशन आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा दिन आपको लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो असली मोटिवेशन आता है इस एग्ज़ाम के लिए वो आपके अंदर से आता है। तो इसीलिए अगर आपको अपने आप पर भरोसा है, अपने तरीके पर भरोसा है और आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो आपको किसी भी कोई बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी अपने आप को अपने रिजल्ट से ना आके आप हमेशा सोचिए कि आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत कितनी की थी। जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरी रैंक क्या आएगी, रैंक आएगी भी कि नहीं आएगी, पर मुझे बस एक बात पर विश्वास था कि मैंने मेहनत अच्छे से की थी, जितना उस समय मुझसे बन पाया उतना मैंने किया था। तो हमेशा आपको अपने काम पर ध्यान देना है, फल आपको अपने आप मिलेगा। और वैसे भी ये परीक्षा जो है वो मेरे और मेरे साथियों के लिए एक शुरुआत मात्र ही है। हमें अभी लगन और मेहनत के साथ आगे भी काम करना है। हम जिस कार्य को करने के लिए आए हैं उसको संपूर्ण निष्ठा से करनी है। हमें यह कोशिश करनी है कि हम जिस भी सर्विस में जाएं, जिस भी राज्य में जाएं, अपने राज्य और अपने देश का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करती हूँ श्रुति राजलक्ष्मी जी को, और उसके बाद अनुभवों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रण देना चाहती हूँ सुमित कुमार ठाकुर, जिनका सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 में 263वां रैंक है आदित्यपुर से। सुमित कुमार ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम, और सारे उच्च अधिकारीगण को मेरा नमस्कार, और यहाँ सभागार में मौजूद मेरे सारे साथियों, उनके अभिभावकगण और सारे विद्यार्थियों, सबको मेरा आभार। सर्वप्रथम मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबों का कि हमें ये अवसर दिया गया कि हम आज अपने अनुभव को यहाँ पे साझा कर सकें। और क्योंकि ये जो आज का जो ये कार्यक्रम है, इससे एक संदेश जाएगा न कि पूरे झारखंड में अपितु पूरे देश में, कि किस तरीके से अगर हम किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति से काम करते हैं तो कैसे उसमें हमें सफलता मिलती है। तो ये जो सफलता होती है ये हमारी खुद की मेहनत तो है, पर इसमें विभिन्न लोगों का एक रोल भी होता है, जैसे कि फैमिली हो गई, उसके बाद हमारे मित्र हो गए, और हमें खुद से हमेशा हर दिन फाइट करना होता है और हमें खुद को अंदर से मोटिवेट करना होता है, जैसा कि अभी श्रुति जी ने बताया। तो इसमें मैं एक बहुत ही एक चीज़ मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे, 2019 में जब मैं प्रथम प्रयास मेरा था, उस टाइम पे मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे रिक्वायरमेंट थी दिल्ली में रहने की, और कोविड का टाइम 20 मार्च के बाद कोविड आया था, तो उससे ठीक पहले मैंने झारखंड सरकार से मैंने मदद मांगी थी, तो मुझे वहाँ पर उस टाइम पर झारखंड भवन दिया गया था। तो उसके लिए मैं फिर से मेरा एक आभार रहेगा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो स्टेट है, हमारी राज्य भी हमें हर तरीके से सपोर्ट करती है, चाहे वो योजना हो या फिर 8 जुलाई को सर का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था, मैं वहाँ